अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है असमंद औसाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। बात होगी DHA क्वेटा के बारे में और एक अच्छी खबर और एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट भी बताएंगे आज की वीडियो में। तो जनाब, अगर DHA क्वेटा को पिछले एक साल में तोला जाए तो पिछले एक साल में DHA क्वेटा ने मुनाफा भी दिया, बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म में मैसिव मुनाफा दिया एंड DHA क्वेटा का नाम हर जगह बोल रहा था। फिर थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल और इन्वेस्टमेंट नकल जाने का और लोगों का नुकसान होने के बाद DHA क्वेटा के अंदर थोड़े से चेंजेस आने लगे, डेवलपमेंटल हालत थोड़ी ख़राब होने लगी एंड पीपल स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये चीज़ भूली नहीं जा सकती कि एक सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा कंप्लीट होना होता है एंड सेमी गवर्नमेंट विल नेवर रन अवे फ्रॉम अ प्रोजेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली वो भाग के जाएंगे किधर। इन्वेस्टर जा सकता है आगे पीछे और मेजरली इन्वेस्टर के आगे पीछे जाने की वजह से ही DHA क्वेटा का जो हाल है आज वही हुआ, क्योंकि DHA क्वेटा शिकार हुआ पहले पॉलिटिकल टर्मोइल का, फिर बदलते मौसम का, फिर वगैरह 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 वगैरह। हमारे पिछले एनालिसिस में हमने आपको बहुत सी बातें बताई कि अब DHA क्वेटा माइट मूव टूवर्ड्स अ मोर कमर्शियल साइड, रेजिडेंशियल साइड का पीक आया और उसके बाद वो डाउनफॉल आया और अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी कमर्शियल साइड एक्सप्लोर होनी बाकी है, फार्म हाउसेस का एंगल एक्सप्लोर होना बाकी है। इस सारे एंगल को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए अभी जो DHA क्वेटा एक्शन ले रहा है, स्टेप ले रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप है लोकेशन बैलेटिंग। अब लोकेशन बैलेटिंग DHA क्वेटा की तो आ गई, DHA क्वेटा ने लोकेशन बैलेटिंग से अचीव क्या करना है? आपकी फाइल्स लोकेशन बैलेटिंग के बाद और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी, मार्केट में उनकी वर्थ बढ़ जाएगी और मार्केट में वर्थ बनने के बाद आपका हुआ नुकसान थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद डेवलपमेंट भी पेस पकड़ेगी, क्योंकि फाइल रोटेशन स्टार्ट होगी बैलेटिंग की डेट, लोकेशन बैलेटिंग की डेट अनाउंस होने के बाद। अब लोकेशन बैलेटिंग में रह गए हैं चंद ही दिन, चंद दिन में ये फ्लो थोड़ा सा पेस पकड़ेगा ऐसा हमारा एनालिटिकल माइंड और एनालिटिकल विंग कहता है। और इस पेस पकड़ने के बाद जो शॉर्ट टर्म रोटेशन पे कमाना चाहते हैं DHA क्वेटा की फाइल से, वो भी कमा सकते हैं, और DHA क्वेटा में जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कमा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। मज़ीद तफसीलात चाहिए आपको DHA क्वेटा की लोकेशन बैलेटिंग के बारे में और उसके बाद होने वाले में फ्यूचर इम्पैक्ट के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमें रखिएगा दुआओं में याद। मेरा नाम है असफंद औसाफ फियामानला।